हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों को स्वागत हमारे को न्यू ब्लॉग में। दोस्तों अभी हमें देवरिया का सलीमपुर में और आज कवर करने आए हैं सलीमपुर में एक काफी अच्छा और काफी बेहतरीन रेस्टोरेंट। जी हाँ दोस्तों, जिसका नाम है गेटबर्ग। तो जो लोग गेटबर्ग जा चुके हैं उनको पता होगा कि अपने देवरिया के अमर ज्योति चौराहे पे गेटबर्ग है और उसी का न्यू आउटलेट खुल चुका है सलीमपुर में। सलीमपुर वासियों के लिए काफी बड़ा तोहफा मिला है। और अभी हम एड्रेस सबसे पहले बता दें तो अभी हम है पिपरा मोहन और ये जो है सलीमपुर वाला रोड है जो कि सलीमपुर आगे मार्केट भी पड़ता है और किस बैंक के बगल में वो भी हम आपको दिखा दे। तो ये है इंडस इंड बैंक के बगल में है अपना गेटबर्ग का न्यू आउटलेट। तो जो भी सलीमपुर से हमारे भाई देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि गेटबर्ग देवरिया का नंबर वन रेस्टोरेंट है। काफी अच्छे अच्छे यहाँ पे फास्ट फूड मिलते हैं और इनके बहुत सारे आउटलेट अलग अलग जिलों में खुल चुके हैं। तो आज आपके लिए गेटबर्ग तोहफा लेके आया आपके अपने ही शहर सलीमपुर में। तो चलिए अंदर चलते हैं, आपको दिखाते हैं क्या क्या फूड कैसा है और पूरा एम्बियंस वगैरह सब कुछ आपको दिखाते हैं। तो फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं गेटबर्ग के अंदर और ये सलीमपुर का काफी खूबसूरत रेस्टोरेंट है। ऐसा रेस्टोरेंट अभी तक जो है सलीमपुर में नहीं खुला। यहाँ का एम्बियंस देख सकते हैं, यहाँ का जो है आप लोग सीटिंग एरिया देख सकते हैं। इधर 4 पर्सन का, इधर भी 4 पर्सन का, काफी खूबसूरत। और जैसे ही आप गेट से एंटर करेंगे आपको दिख जाएगा प्यारा सा सेल्फी पॉइंट जहाँ पे आप लोग ऐसे उड़ने का एहसास कर सकते हैं पंछी मन के। और पापा के परियों के लिए काफी अच्छा है ये। बाकी यहाँ का एम्बियंस देख सकते हैं, लाइटिंग वगैरह देख सकते हैं, काफी अच्छा है यहाँ का। तो फाइनली दोस्तों हम जो अपना सीट ग्रहण कर लिए हैं यानी कि बैठ गए अपने सीट पे और सामने पड़ा हुआ है गेटबर्ग का मेनू जिसमें बहुत सारा आइटम है। और भाई मैं पहले बता दूं आप लोग को, सलीमपुर वाले को, कि आप लोग के लिए काफ़ी बड़ा तोहफा मिला है क्योंकि इससे पहले इतना बढ़िया इतना खूबसूरत रेस्टोरेंट आपके सलीमपुर में नहीं था। फर्स्ट टाइम खुला है और देवरिया का काफ़ी जाना माना रेस्टोरेंट है गेटबर्ग। तो आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मिलेंगी खाने के लिए टेस्टी टेस्टी। तो चलिए हम यहाँ का मीनू दिखाते हैं कि सलीमपुर वाले मीनू में क्या खास दिया गया है। ये देख सकते हैं यहाँ का मीनू, इसको आप लोग पुश करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेज बर्गर है और इसके भी कई सारे वेराइटीज़ हैं देख सकते हैं। इधर नॉन वेज बर्गर है, इसकी भी कई सारी वेराइटीज़ हैं। और रेट जो है गेटबर्ग में हमेशा जेन्युइन रखा जाता है कि कोई भी अगर कम पैसा वाला भी है तो खा सके और जिसके पास पैसा है वो भी खा सके। तो एकदम जो है ना प्राइस के मामले में काफ़ी जो अच्छा है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, पास्ता है, सैंडविच है, फ्राई चिकन है, गेटबर्ग रोल है। और इधर आ जाते हैं गेटबर्ग चिंग्स में, तो आप लोग देख सकते हैं पनीर चिल्ली है, चिकन चिल्ली है, गेटबर्ग साइड किट्स है, इसमें फ्रेंच फ्राई है, मसाला फ्राई है, बहुत सारे हैं आप लोग पढ़ सकते हैं। इधर मॉकटेल के ऑप्शन दिए गए हैं अलग अलग तरह के। इधर है गेटबर्ग मिल्क शेक, इसमें भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं देख सकते हैं आप लोग। और इनका पूरा मीनू आप लोगों ने देखा। और इधर देखिए, इधर हम आपको दिखा दें गेटबर्ग हार्ट विंग है, वेज मोमोज है, नॉन वेज मोमोज है, बिरयानी है, नॉन वेज पिज्ज़ा है। आप लोग देख सकते हैं नॉन वेज पिज्ज़ा के कई सारे वेराइटीज़ हैं। और इधर आप लोग देख सकते हैं गेटबर्ग स्पेशल पिज्ज़ा का भी ऑप्शन दिया गया जिसमें बहुत सारे अलग अलग तरह के पिज्ज़ा है। गेटबर्ग वेज सुप्रीम पिज्ज़ा है, गेटबर्ग मील्स है जिसमें आप लोग गेटबर्ग वेज स्टूडेंट मील भी ले सकते हैं। बहुत सारे अलग अलग तरह के मील बॉक्सेस हैं। और इधर देख सकते हैं नूडल्स हैं, ये है डिप्स आप ले सकते हैं जिसको चटनी कहा जाता है, टेस्टी टेस्टी अलग अलग तरह के जो है डिप्स होते हैं। बाकी इधर जो है कोल्ड ड्रिंक है। और दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं गेटबर्ग डिजर्ट में सिजलिंग ब्राउनी है, ब्राउनी विथ आइसक्रीम है, चॉकलेट लावा केक है। और ये सब जो चीज़ें हैं सिजलिंग ब्राउनी, ये तो मेरे हिसाब से सलीमपुर में फर्स्ट टाइम मिलने वाला है और सिर्फ गेटबर्ग में मिलने वाला है क्योंकि भाई इससे पहले जो है सलीमपुर में ये चीज़ नहीं मिलती थी। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है अपना जो है ऑर्डर दे दिया और क्या क्या हमने ऑर्डर दिया है आपको बता देते हैं। और साथ में सत्यम भाई भी हैं, हेलो बोल दीजिए। हमने ऑर्डर दिया है यहाँ का स्पेशल मेक इट कॉम्बो जो कि अगर आप सिंगल आते हैं तो इसको ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। 119 रुपये का पड़ेगा जिसमें बर्गर, फ्रेंच फ्राई और कोक मिलेगा, तो इसको ले सकते हैं। दूसरा हमने ऑर्डर किया है नूडल्स ऑर्डर किया है, ये देख सकते हैं वेज नूडल्स हमने ऑर्डर किया है। और एक हमने ऑर्डर किया है पेस्ट्री। जी हाँ, आपको यहाँ पे केक वगैरह सब मिल जाएगा। अगर आप लोग बर्थडे वगैरह भी सेलिब्रेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेलिब्रेट कर सकते हैं।
इधर देखिए पूरा केक का ऑप्शन है, देख सकते हैं हर तरह के आपको केक्स वगैरह मिल जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों जो हमने ऑर्डर किया था अपना सारा आइटम आ चुका है, और हमने बाद में जो है ऑर्डर के बाद में ये वेज मोमो बढ़वाया था और साथ में ये दो मॉकटेल जो कि एक ये स्ट्रॉबेरी है और एक मैंगो है, और साथ में हमने मंगाया था ये वेज बर्गर जो कि कॉम्बो है, वेज बर्गर फ्रेंच फ्राई और ये कोक, ये कॉम्बो है। और एक हमने लिया है ये डार्क चॉकलेट पेस्ट्री, देख सकते हैं दोस्तों हमने लिया है। दूसरा ये है नूडल्स जो कि पनीर वाला नूडल्स है, और ये है अपना वेज बर्गर देख सकते हैं, और इसका पेटीज वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ट्राई करते हैं फ्रेंच फ्राई, और देख सकते हैं फ्रेंच फ्राई जो कि काफ़ी क्रंची है, इसको हम चटनी में डिप करेंगे। ये देख सकते सॉस है इसमें डिप करके, भाई साहब काफ़ी फ्रेश है देख सकते हैं आप, एक बार नज़दीक दिखाइए, काफ़ी फ्रेश है और काफ़ी जो है ना क्रंची लग रहा है एक नंबर। और देख सकते हैं ये रेस्टोरेंट अभी नया खुला है और यहाँ पे इतना ज़्यादा क्राउड है, एक बार दिखाइए चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे क्राउड है खाने के लिए। भाई साहब सलीमपुर में फर्स्ट टाइम ऐसा रेस्टोरेंट खुला है जिसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और ये है अपना बर्गर, और ये है आपका वेज बर्गर, इसमें दिखा देते हैं क्या क्या डाला गया। देखिए टमाटो है, ऑनियन है, और क्या कहते हैं खीरा है, और आलू पेटीज देख सकते हैं काफ़ी बड़ा है, और इसमें मियोनीज देख सकते हैं आप लोग हैं, इसमें तंदूरी मियोनीज भी है। चलिए इसको हम ट्राई करते हैं। और ये है ग्रिल बर्गर जो कि हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि नॉर्मली स्ट्रीट पे देखें या फिर और कई जगह देखें तो वो लोग तल देते हैं या फिर इसको बटर वगैरह लगा के सेक देते हैं, पर ये डायरेक्ट ग्रिल किया हुआ है, और इसको टेस्ट करते हैं। बर्गर जो है काफ़ी टेस्टी लग रहा है, और इसका जो पेटीज डाला गया है आलू पेटीज ये एकदम फ्रेश है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ में हमने कोक भी लिया है, और अब ट्राई करते हैं यहाँ का मोमो। ये देख सकते हैं मोमो, ये आपका वेज मोमो, इसको हम तोड़ के दिखा देते हैं अंदर की फीडिंग इसमें क्या की गई। ये देख सकते हैं वेज पनीर मोमो, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है, थोड़ा सा आपको शोर भी सुनाई दे रहा होगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि भाई रेस्टोरेंट है तो काफ़ी लोग आ रहे हैं इस समय। और ये दो तरह की चटनी दी गई है, सिजवान चटनी और ये मेयोनीज, और इसको डीप करके हम खाएंगे। भाई साहब मोमो का टेस्ट वही पुराना वाला है देवरिया में जो गिड़बक देता है मोमो, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है, और इसका डीप एक नंबर। और ये है नूडल्स, नूडल्स को भी हम ट्राई करते हैं और देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है। और देख सकते हैं काफ़ी अच्छे क्वालिटी वाला नूडल्स यूज किया जा रहा है, इसमें कैप्सिकम आप लोग देख सकते हैं, कैरेट देख सकते हैं, और पनीर तो इसमें है ही। चलिए इसको हम टेस्ट करते हैं, भाई साहब एक नंबर लग रहा है, बस एकदम गर्मा गर्म है और काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। हेलो दोस्तों, अभी हमारे साथ है गेट बर के ओनर संदीप सर। सर आपका बहुत स्वागत हमारे वीडियो में, और बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन कि आपका पांचवा आउटलेट जो है सलीमपुर में खुल चुका है। थैंक यू सो मच, आपके जैसे भाई हैं और देवरिया की जनता और जगह की भी जनता का प्यार मिलता रहा है हमें, और आगे भी हमें उम्मीद है कि ऐसे ही उन लोगों का प्यार मिलता रहे, क्योंकि उनके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं था। तो कैसा लग रहा है आपका, एक रेस्टोरेंट से शुरू किए आपने इस जर्नी को, आज पाँच पाँच आपका रेस्टोरेंट चल रहा है। अब मैंने इतना भी नहीं सोचा था कि हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन आप लोगों का प्यार और जनता का प्यार हमें भरपूर मिलता है, बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं हमारे दोस्त, हमारे घर वाले और स्पेशली अपने शहर के लोग, उन्होंने गेटवर को बहुत ही ज्यादा प्यार दिया और प्यार देते रहते हैं। जो हमारी जनता सलीमपुर से देख रही है उनको आप क्या दे रहे हैं खास? स्पेशली हम सलीमपुर की कुछ जनता गेटवर को बहुत प्यार दे रही है और देते आ रही है। कल हमारी ओपनिंग थी 22 तारीख को, तो उसमें यहाँ के लोगों का बहुत ही अच्छा प्यार रहा, काफ़ी लोग आए, काफ़ी लोगों ने टेस्ट के बारे में अच्छा बताया, और उन्होंने बोला कि सलीमपुर को इस चीज़ की ज़रूरत थी जी। तो आज आपने वो चीज़ भी किया है, तो हम कोशिश करेंगे कि हम भी यहाँ की जनता को नाराज ना करें और अपनी बेस्ट से बेस्ट सर्विस उन तक हम पहुँचाएँ। तो सर एक बार आपको कम्प्लीट पता यहाँ का एड्रेस बता दें। कंप्लीट पता यहाँ पे है, हमारे जस्ट बगल में इंदस इन बैंक है, ये पिपरा मोहन एरिया आता है, गोरख सलीमपुर देवरिया रोड है ये, जहाँ पे आसपास में आपके बापू इंटर कॉलेज है, जस्ट उसके पास में ही हम लोग हैं। ठीक है सर, थैंक यू।